आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चन करवाएंगे। नंबर सिस्टम की ये 10वीं क्लास है और हमारी तरफ से ये नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास है, ठीक है। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में पहले समझेंगे रिमाइंडर होता क्या है। ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे लिखा हुआ है 45^47 + 2 को अगर 44 से विभाज किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, शेषफल क्या होता है और शेषफल के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, पहले उस बारे में हम थोड़ी सी बात पर चर्चा करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए, ये क्वेश्चन अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले जो हम समझा रहे हैं बेसिक चीज़ें पहले आपको कुछ समझनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 22 लिखा हुआ है, 22 को हम अगर 5 से भाग कर दें, अगर 5 से भाग करेंगे तो इसका मतलब है कि 5 चौक हो जाएगा 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। यही रिमाइंडर है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है जो 2 बचा हुआ है। रिमाइंडर भी दो तरह के बचेंगे। अगर आपने 22 को 5 से भाग किया है तो 5 चौक 20 हुआ है, तो रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है। अगर आप चाहते तो आप इसी 22 को 5 से भाग कर देते और 5 बच्चे कर देते 25 कर देते तो रिमाइंडर कितना बचता, -3। -3 कभी रिमाइंडर बचेगा नहीं, लेकिन रिमाइंडर दो तरह के बचते हैं, इतना समझिएगा। अगर आप 22 को 5 से भाग करते 4 बार ले जाते 5 का पहाड़ा, तो 5 को 20 होगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, और ये 2 पॉजिटिव है यानी प्लस का है। और अगर आप 22 को 5 से भाग करते और 5 बार ले जाते हैं तो 22 से 25 घटाएंगे तो बचेगा रिमाइंडर -3। तो ये दो बातें आपको याद रखनी, रिमाइंडर दो तरह के बच सकते हैं, एक पॉजिटिव बच सकता है और एक नेगेटिव बच सकता है। इसके बाद आपको एक बात ये याद रखनी है, अगर आपको जैसे देखिए रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव में ही आना है, जब आपने 22 को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 बचा है, जब आपने 22 को 5 से भाग किया 5 बार टेबल ले गए तो माइनस का रिमाइंडर 3 बचा है। अगर आपको माइनस वाला रिमाइंडर पता हो और आप क्या करें, भाजक से उसको घटा दें, तो हमेशा पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए आपने 22 को 5 से भाग किया तो आपके पास माइनस वाला रिमाइंडर आया 3, और माइनस में रिमाइंडर कभी बताना नहीं है। तो अगर तुमको माइनस वाला रिमाइंडर पता है तो आप पॉजिटिव वाले रिमाइंडर कैसे जान सकते हैं, जिस संख्या से आपने डिवाइड किया था भाजक से अगर रिमाइंडर माइनस वाला घटा दें, आप इस 5 से इस वाले 3 को घटा दें तो जो 2 बचेगा वो पॉजिटिव वाले रिमाइंडर से मैच कर जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को हमारी, अगर आप 4 बार लेंगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा, लेकिन अगर आप एक बार ज़्यादा लेंगे और माइनस वाला पता चल गया है आपको रिमाइंडर, तो अगर आप भाजक में से जो माइनस वाला रिमाइंडर है उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे हमने 5 से ये वाला 3 घटा दिया तो देखिए ये वाला रिमाइंडर आपको 2 मिल गया है। तो इस तरह में अगर मान लो कोई क्वेश्चन में आंसर रिमाइंडर जो है माइनस में आ रहा है, हमको पॉजिटिव वाला बता रहा है, तो हम भाजक से वो रिमाइंडर घटा देंगे तो हमको पॉजिटिव वाला रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो दो बातें आपको ये याद रखनी है कि माइनस रिमाइंडर से पॉजिटिव रिमाइंडर तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। अगली चीज आपको ये याद रखनी है, अब पहले क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, तो आपको बताते हैं और क्या चीज़ याद रखनी है। पहले ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा हुआ 45^47 + 2 को अगर हम लोग 44 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये बताना है आपको। तो आप यहाँ लिख लेंगे 45^47 और प्लस में 2, इसको 44 से अगर आपको डिवाइड करना है तो 44 से भाग करोगे तो 44 से करना है 44 बचेगा 1, 1 की पावर कितना हो गया है 47 और प्लस में 2, अभी भी इसको काहे से डिवाइड करना है, 44 से डिवाइड करना है। 1 की पावर 47 हो या 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर चाहे जितनी रहे उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से 1 मिलेगा और प्लस में 2 और बटे में 44। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 3 बटे में 44, 3 में 44 का भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ गए होंगे इस बात को। देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो एक बार, 45^47 + 2 को अगर हम लोग 44 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमने 45 को भाग किया, बचा 1, 1 की पावर 47 प्लस में ये वाला 2, अभी 44 से भाग करना है, 1 की पावर 47 एक ही आएगा प्लस, और ये वाला 2 उतार लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 3, और 3 को 44 से भाग करोगे नहीं भाग जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने,
27 की पावर 27 प्लस 27 को अगर 28 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। सारे क्वेश्चन रिमाइंडर पर ही आधारित हैं। क्वेश्चन लिखा था देखो 27 की पावर 27 और प्लस में 27 को अगर हम लोग 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर 28 से डिवाइड करोगे तो देखो 28 से करना 28 ले जाओगे और यहाँ 27 है तो जो आपके सामने रिमाइंडर बचेगा आपकी बार वो माइनस का एक बचेगा। माइनस का एक रिमाइंडर कैसे बचेगा ये हमने प्रारंभ में आपको बताया था। जैसे देखो 28 का पहाड़ा ले गए एक बार, यहाँ 27 ही है तो 27 को 28 से भाग करोगे तो 28 से करना 28, 27 से 28 घटा दोगे तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा और उसके ऊपर पावर बचेगी 27 और प्लस में लिखा है 27 और अभी इसको कहाँ से डिवाइड करना 28 से। एक चीज़ और नहीं आई है बीच में, देखो माइनस लिखा माइनस का एक, याद रखना अगर माइनस के एक के ऊपर पावर सम आई है तो हमेशा इसका मान पॉजिटिव एक आएगा यानी प्लस का एक आएगा, लेकिन अगर माइनस के एक के ऊपर पावर विषम लिखी है तो हमेशा इसका मान माइनस में एक आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, अगर माइनस एक की पावर सम है तो एक आएगा लेकिन वो प्लस का रहेगा पॉजिटिव रहेगा, अगर माइनस एक के ऊपर विषम पावर है तो माइनस का एक आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर एक की पावर जैसे मान लो माइनस एक की पावर अगर दो लिखा है तो इसको माइनस एक गुणे माइनस एक करोगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर जाएगा तो सम संख्या दो के मल्टीपल में ही रहती है इस वजह से माइनस खत्म हो जाता है। तो अगर माइनस एक की पावर सम संख्या लगी है तो प्लस का एक आएगा और अगर माइनस एक की पावर विषम संख्या ऊपर है तो उसका आंसर माइनस में वन आएगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इस जगह पे देखो जहाँ पे लिखा माइनस एक की पावर 27 और 27 कैसी संख्या है, विषम संख्या है तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का एक आ जाएगा, यहाँ से माइनस का एक आएगा, प्लस का निशान लगाओ के फिर इस 27 में 28 का भाग करोगे, चाहते तो इसी जगह कर देते तो यहाँ भी कितना आ जाता माइनस का एक आ जाता, तो यहाँ माइनस का एक है इन दोनों को जोड़ लेते और 28 से करते भाग तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का दो बटे में 28 और माइनस में कभी आंसर देना नहीं। हमने बताया था अगर आपको माइनस का रिमाइंडर पता है आप भाजक से माइनस के रिमाइंडर को घटा देंगे तो आप पॉजिटिव रिमाइंडर तक पहुँच सकते हैं, तो आप 28 से ये वाला दो घटा लो तो कितना बच जाएगा 26 बच जाएगा जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखिए, दूसरा लिखा हुआ 27 की पावर 28 माइनस वन को अगर 26 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा। 27 की पावर 28 माइनस एक को यदि 26 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। आप 27 में 26 का भाग करेंगे तो 26 एकन्नम 26 बचेगा एक, तो बचेगा एक की पावर कितना 28 और माइनस का एक और बटे में 26। अब देखिए ये एक है प्लस का, अगर प्लस का एक है तो ऊपर पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो हमेशा एक ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक बचा है, इसके ऊपर चाहे 28 लिखा हो चाहे 31 लिखा हो चाहे सम संख्या लिखी हो चाहे विषम संख्या लिखी हो एक ही आएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट में माइनस वन लिखा है और ऊपर पावर सम है तो एक आएगा, लेकिन अगर माइनस में एक के ऊपर विषम संख्या पावर मिल लगा है तो माइनस का वन आएगा। बस यही दो बातें आपको याद रखनी है। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक आएगा और ये माइनस एक बटे में 26, दोनों को घटा दोगे तो आ जाएगा 0/26। इसका मतलब है इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाए, क्योंकि 0 में 26 का भाग नहीं जाएगा। अगर 26 से छोटी कोई भी संख्या तो रिमाइंडर उतना ही बच जाएगा। ठीक है देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 47 की पावर 42 माइनस 5 को यदि 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, 47 की पावर 42 माइनस 5 को अगर हम लोग 48 से भाग करें तो देखिए ये 47 से 48 से भाग करोगे तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का एक और इसके ऊपर पावर है 42 और 42 कैसी संख्या सम संख्या है, माइनस में कर लेंगे 5 और बटे में फिर से 48। अब माइनस में एक है तब आपको पावर देखने की ज़रूरत है कि सम है कि विषम है और 42 कैसी संख्या सम संख्या है तो एक आएगा वो भी पॉजिटिव का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे एक और माइनस में 5 और बटे में 48। अब एक से आप 5 घटाओगे तो आपके सामने आएगा माइनस का 4 और बटे में 48। माइनस का रिमाइंडर पता चल गया और भाजक पता है तो आपको क्या बताना है पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बताना है, तो आप इस 48 से 4 घटा लो तो कितना आ जाएगा 44। तो इस प्रश्न का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 4 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में हमने बताया था कि अगर आपको माइनस वाला रिमाइंडर पता है तो आप भाजक से माइनस वाला रिमाइंडर घटा दोगे तो आपको पॉजिटिव वाला रिमाइंडर पता चल जाएगा और रिमाइंडर हमेशा आपको पॉजिटिव वाला ही बताना है। ठीक है
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखो 67 की पावर 9 प्लस 4 को अगर 65 डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। यहाँ लिखेंगे देखो प्लस में 4 और बटे में 65, 65 से अगर आप भाग करोगे तो 65 का नाम 65, 66 बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा 2 की पावर 9 और प्लस में बचेगा 4 और इसके बाद डिवाइड करना है 65 से। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9, ये पावर 2 की पावर 9 10 तक तो याद ही कर लेना, 2 की पावर 9 होता है 512, 2 की पावर 9 होती 512 और प्लस में लिख लो 4 और इसको डिवाइड करना है 65 से, दोनों को जोड़ दो, 4 2 कितना 6 और बचेगा 516, 516 को 65 से करना है डिवाइड और 516 65 से बड़ा है तो भाग करना पड़ेगा, तो आप क्या कर लें देखो 516 लिखें और इसको 65 से करें डिवाइड, 65 का टेबल ना तो आपको आता है ना तो हमको आता है, तो इस 65 को आप सीधा सीधा 60 मान के भाग कर लो और 60 में भी इकाई का अंक 0 तो 6 के टेबल सबको आती है। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 दूनी 12, ऐसा पढ़ना कि ये 51 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48 है ना, 8 बार जा रहा है, 48 कम है लेकिन ये 5 है, 8 बार अगर 5 वाला भी गुणा कर देगा तो ये 50 को क्रॉस कर जाएगा, तो 8 बार ना जाके केवल 7 बार जाएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा कि 7 बार जाएगा कि 8 बार जाएगा, जैसे हम लोगों ने 65 को 60 मान के भाग किया तो 8 बार ले रहे हैं तो 8 7 56 हो रहा है, देखो नहीं 6 8 48 हो रहा है ना, 6 8 48 हो रहा है, लेकिन आप 48 बार ले लेंगे लेकिन ये जो 5 है ये भी तो 8 बार साथ में गुणा होके जाएगा तो 5 8 40 ये भी हो जाएगा जो 50 से आगे कर देगा, तो 8 बार ना जाके, अगर आप 8 बार ले भी जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक कम कर देना 7 बार ले जाना है, तो 65 का टेबल 7 बार ले जाओ, 7 का गुणा करा दो, 7 5 35 की 5 और 7 6 42 43 44 45 455 घटा लोगे देखो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 6, इन दोनों का जो घटाने पर कितना रिमाइंडर आएगा 61 आएगा, तो इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 2 की पावर 40 + 3 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 2 की पावर 40 + 3 को अगर 17 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखो 2 में 17 का टेबल जाएगा, आपको हमेशा करना क्या है कि इन दो को कुछ ऐसा बनाना है कि या तो ये 16 हो जाए या तो ये 18 हो जाए, 17 से या तो एक ज्यादा हो जाए या तो एक कम हो जाए, या तो माइनस का एक बच जाए या तो प्लस का एक बच जाए। इसके लिए करना क्या होगा, 2 की पावर 40 का मतलब है कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 40 बार है। जैसे हम लोग 2 की पावर 2 लिखेंगे इसका मतलब है कि 2 × 2 है, 2 की पावर 3 लिखेंगे इसका मतलब 2 × 2 × 2 3 बार है, अगर 2 की पावर 4 लिखा इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 2 4 बार है, यही मतलब है। तो अगर यहाँ से 2 की पावर 40 लिखा इसका मतलब 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 40 बार है। तो आप जरूरत के हिसाब से क्या करें, आप 16 के करीब करें, हमको लग रहा है 2 की पावर 4 लिखते 2 × 2 = 4 × 8 × 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 होता है, तो इसको क्या करें देखो 2 की पावर 4 लिखें, 2 की पावर 4 लिखेंगे तो देखो इस 40 में से 4 निकाल दिया है तो 4 से इसको भाग कर तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर तो आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 की पावर 40 को हम लोग कन्वर्ट करके 2 की पावर 4 की पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से गुणा कर देंगे तो फिर 2 की पावर 40 बन जाएगा। और ऐसा हम लोग कैसे सोच पाए हैं, क्योंकि आपको 17 से डिवाइड करना है तो या तो 17 से ज़्यादा हो जाए या तो 17 से कम रहे, तो 2 की पावर 4 करने पर हम लोगों को 16 मिल रहा है, 2 × 4 × 8 × 16 तो 4 हो गए, तो 4 से भाग कर दें इसका मतलब ऊपर 10 आएगा, प्लस में वाला 3 लिख लो और 17 से कर दो डिवाइड। अब इस वाले 2 की पावर 4 का टीका कितना लिख लो, 16 लिख लो, 16 की पावर लिख लो 10 और प्लस में लिख लो 3, अब इसको 17 से आसानी से डिवाइड कर दो, 17 से करोगे तो 17 का नाम 17 तो आएगा माइनस का 1 और जैसे ही माइनस का 1 आया तो तुरंत हमको देखना होगा इसके ऊपर लगने वाली पावर कब है कि दिशा में और 10 कैसा है स्थान में, दोनों को जोड़ोगे 17 से करोगे भाग तो 3 हो जाएगा 4 और 4 को 17 से भाग करोगे, अब 4 में 17 का टेबल जाएगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना 4। अब देखिए दूसरी तरह का क्वेश्चन निकल या उसी तरह का क्वेश्चन है, बस
थोड़ा सा अलग हो गया है। जैसे लिखा वो 17 की पावर 42, 17 की पावर 42 को यदि 48 से विभाजित किया जाए तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 17 की पावर 42, 17 की पावर 42 को यदि 48 से भाग दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना आएगा? अच्छा देखो, 7 में 48 का टेबल जाएगा नहीं, तो अब 7 को कुछ ऐसा करना है कि 48 या तो कम या तो ज्यादा हो जाए, और हमेशा हम ऐसा सोचेंगे या तो एक ज्यादा हो जाए या तो एक कम हो जाए, जितने भी हमको देखो, अगर आप 2, 3, 4 ज्यादा करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर 1 की पावर कितनी भी हो तो हमको बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 की पावर 9 आया था, जिसको हमने 5 दोबारा लिखा था। अगर मान लो ये 2 की पावर 105 आ जाता, 2 की पावर 48 आ जाता, 2 की पावर 17 आ जाता, तो कठिन हो जाता। इस वजह से हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि पावर या तो माइनस का एक आ जाए या तो प्लस का एक आ जाए, सही है? अड़तालीस से भाग करोगे तो बचेगा एक की पावर हो जाएगा इक्कीस। एक की पावर 21 को 48 से जब भाग करोगे तो देखो, अब एक प्लस रहे हैं तो इसके ऊपर पावर कम हो या कम हो तो एक घट नहीं पड़ेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा? 1/48 आएगा, और 1/48 जैसे ही आ जाएगा तब 1 को 48 से भाग करके रिमाइंडर क्या प्राप्त करोगे? 1। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 2 की पावर 31 को अगर 7 में भाग किया जाए तो क्षेत्रफल कितना बचेगा? अब देखिए, 2 की पावर जो 31 लिखा है, 2 की पावर 31 को 7 से डिवाइड करना है। इस वाले में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि 2 की पावर आप कितनी लगाओ कि या तो 6 रह जाए या तो 8 हो जाए। 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ना तो 6 आ रहा है ना तो 8 आ रहा है, तो आप ना तो माइनस का एक बचा पा रहे हो ना तो प्लस का एक बचा पा रहे हो। अगर ऐसे सिचुएशन बन जाए, ना तो आप माइनस का एक बना पाओ ना तो आप प्लस का एक बना पाओ, जैसे आप इसमें बना के देख लो, 2 की पावर आप कितनी भी रख लो, 2 × 4 × 8, तो 2 की पावर 8 बन जाएगा क्या? 2 × 4 × 8, 2 की पावर अगर 3 लिख देंगे तो अच्छा, 2 की पावर मान लो तुम 3 लिख भी दिए तो फिर 3 से 31 कटेगा नहीं, तो 2 की पावर 3 की पावर कितना लिखेंगे? अगर मान लो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ गया, 2 की पावर आपने 3 लिख लिया, अब 2 की पावर 3 की पावर कितना लिखेंगे पूरा करने का? 31 आ जाए तो 3 से भाग नहीं जाएगा। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो क्या करेंगे? इसके लिए देखो क्या करेंगे, इसको फिर ऐसे लिखेंगे, इधर लिख लो 2 और फिर इंटू में कर लो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कैसी हो जाएगी? ये 2 की पावर 31 का मतलब है कि 2 × 2 × 2 × 2 × कितनी बार लिखा? 31 बार लिखा। उसमें से 1-2 अगर हम बाहर कर लेंगे तो फिर उधर बचेंगे 30, और 30 बार अगर 2 × 2 × 2 × 2 लिखा है तो 2 की पावर 30 लगा सकते हैं। तो हमने इसमें से 1-2 बाहर कर लिया है तो 2 की पावर 30 बन जाएगी और बटे में 7 दिन। अब 2 की पावर अगर हम लोग 3 कर ले तो 2 × 4 × 8 हो जाएगा, और 8 से क्या कटेगा? 3, बताओ। अब इसको पता है क्या करना, इसको तो लिख लो 2 और इसको लिख लो 2 की पावर कितना लिखते हैं? 2 × 4 × 8, 2 की पावर 3 और की पावर 10 लिखते हैं, और इसको अब 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसको आगे लिखोगे तो ये रहेगा 2 और 2 × 4 × 8 की पावर 10 और बटे 7। समझ में आया कैसे बना दिए? अब देखो, इसमें लगा लो 7 के अंदर 7 बचेगा 1, वो भी 10, उसके ऊपर पावर 10 आगे लिखे दे रहे हैं, तो 2 माइनस नहीं दे रहे, प्लस रहेगा, 7 के अंदर 7 1 बचेगा, 1 की पावर 10 और बटे में 7। अब इसको आगे देखोगे तो यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर 10 है और ये 1 प्लस में है तो पावर कम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 2-2 को पूरा कर दोगे तो 2 के अंदर 2 बटे 7, इसका मतलब 2 में 7 का टेबल जाएगा नहीं, इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं टूटेगा तो ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए होंगे? नहीं समझ पाए वीडियो को पीछे करके बस में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 75 की पावर 65 और प्लस में 35 को अगर 76 से डिवाइड किया जाए तो क्षेत्रफल कितना आएगा? लिखा हुआ 75 की पावर 65 और प्लस 35
तो यदि हम लोग 76 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा? 76 के अंदर 76 कर लेंगे, बचेगा माइनस का एक रिमाइंडर, माइनस का एक रिमाइंडर, इसके ऊपर पावर 65 और प्लस में लिख देंगे 35 और बटे में लिख देंगे 76। अब 35 से 76 में भाग जाएगा नहीं, क्योंकि उनको 35 ही लिखा रहेंगे, तो माइनस के एक के ऊपर पावर देता है तो माइनस के एक आएगा, माइनस के एक आएगा तो प्लस में 35 है और फिर 76, माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो बचेगा 34। किसान बड़े वाले गति के लगाते हैं तो प्लस में रहेगा 34 और 76 से डिवाइड करेंगे, 34 में 76 तो भाग जाएगा नहीं है, तो सीधा रजिस्टर कितना बच जाएगा? 34 बच जाएगा, तो इस प्लस में कैंसिल कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से कितने विभाज्य है? इसके 4 में कब लेंगे, 3 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, 17 से विभाज्य या 13 से विभाज्य? प्रश्न को कैसे करेंगे देखिए, लिखा हुआ है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 कितने विभाज्य है ये जानना है, तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करें, 4 की पावर 61 कॉमन करना, 4 की पावर 61 जैसे कॉमन करोगे अंदर क्या बचेगा, इस जगह पर एक, इस जगह पर क्या बचेगा 4 की पावर 1, इस जगह पर क्या बचेगा 4 की पावर 2, क्योंकि 4 की पावर 61 कॉमन करके तो यहाँ कितने बचे, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 की पावर 61 कॉमन करके तो 4 की पावर केवल 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 62 है, यहाँ पर 63 है, 4 की पावर 2 बचेगी, क्योंकि 61 कॉमन आ गए तो यहाँ 2 बच जाएगा, बच जाएगा। इसको लिख दोगे 416, इसको लिख दोगे 4 और इसको लिख दोगे 1, और जो कॉमन किया था 4 की पावर 61 ये तो रहे रहेंगे, 16 4 20 21, 21 × 4 की पावर 61। अब देखो 21 × 4 की पावर 61 ये कितने विभाज्य ये देखना है, इससे पहले एक चीज समझो, अगर मान लो आपने 21 को 3 से गुणा कर दिया, ये 21 की जगह y कर दो, अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर आपने 3 को 3 से गुणा किया है तो देखो 3 से 1 का 9 और 3 को 6, जो भी संख्या है वो 3 से जरूर कटेगी, क्योंकि तुमने 3 से गुणा किया है। अगर इसी 1 को आपने 2 से गुणा कर दिया, अभी यदि ये वाला संख्या 2 से नहीं कट रही थी, देखो 3 2 से नहीं कटेगी, लेकिन अगर तुमने 2 से गुणा कर दिया है तो 3 में 6 और कितना हो जाएगा 4, अब ये जो 46 आया है तो से कट गया, तो आपने जिस संख्या से गुणा किया उससे तो डिवाइड हो ही जाएगा। इस जगह पे जो इसका मतलब है 4 की पावर 61 का मतलब है कि 4 × 4 × 4 × 4 में कितनी बार 61 बार लिखा है और उसके बाद गुणा करना है 21 से, तो इसका मतलब है संख्या 21 से तो कट ही जाएगी, वास्तव में 21 से है नहीं, तो हम 21 सही कर लेते क्योंकि 21 से कट जाता, 21 नहीं है तो 21 और कितने कटता, 21 चाहते तो 7 से भी कट सकता था, 21 चाहते तो 3 से भी कट सकता था, 21 चाहते तो 21 से भी कट सकता था और भी संख्या से कट सकता था, लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से देखो, क्या ये ऑप्शन जो 11 21 को काट सकता है तो नहीं काट सकता, क्या 17 काट सकता है नहीं काट सकता, क्या 13 काट सकता है नहीं काट सकता, तो ना तो 13 काट सकता ना तो 17 ना तो 11 को क्या काटेगा, 3 काटेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसमें आपका ऑप्शन अभी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कितने कटेगा, तो आप अगर चाहते तो इसको और आगे क्या लिख सकते थे, देखो यहाँ लिख सकते थे 4 की पावर 60 और इंटू में करके लिखते थे 4 × 21, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 4 की पावर 61 का मतलब कि 4 61 बार गुणा करके बना है, तो 1 4 1 में गुणा करवा सकते थे, तो 4 1 4 और 4 × 8, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 4 की पावर 60 और गुणे में 84, तो 84 कितने कट रहा हुआ आप संख्या देखते, मान लो अभी यहाँ पे 30 है और यहाँ पे ऐसी संख्या ना होती जो आपको कट जाती तो इसको और आगे कर सकते हैं, इसलिए 4 निकाल के गुणा कर सकते, 2 निकाल के 3 निकाल के, मतलब ये 61 चाहे जरूरत के हिसाब से जितने निकालने निकालते रहो जब तक आपको ऑप्शन ना पता चल जाए, जैसे यहाँ पे देखो 4 की पावर 61 लिखा था गुणे में लिखा था 21, तो आपको ये पता चल गया है कि ये जो भी संख्या गुणा करके बनेगी वो 21 से जरूर कटेगी, क्योंकि हमने 21 से इसमें गुणा किया हुआ है और 21 आपका लेंगे नहीं तो 21 की संख्या से कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब है 13 से कट जाएगा, सही है, 7 होता तो 7 से भी कट सकता था लेकिन 7 विकल्प में है नहीं, 21 से भी कट सकता 21 विकल्प में नहीं। इस वाले प्रश्न को देखो उसी तरह का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्न में से कितने विभाज्य है, आपका लिखा हुआ 11 16 25 और 30, इन्हीं चार में से कोई बताना।
अपन के हिसाब से चेक करेंगे क्वेश्चन को। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 और प्लस 3 की पावर 28। यहाँ पे अगर हम लोग 3 की पावर 25 को कॉमन निकाल ले तो यहाँ बचेगा 1, फिर यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, फिर यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, फिर यहाँ बचेगा 3 की पावर 3। 3 3 का 9 से यहाँ 27 और फिर यहाँ 3 3 का 9 और यहाँ पे 3 और फिर यहाँ 1, यही बचेगा। इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 25 का है। 3 की पावर 25 का मतलब कि 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार है, 25 बार है। 27 28 30 हो जाएगा 40 और 40 और मुझे दे दो 3 की पावर 25। अब जो भी संख्या है वो 40 से तो काटेगा, जैसे 30 से नहीं करता है, 25 से नहीं करता है, 16 से नहीं करता है, 11 से नहीं करता है, तो क्या ये चलो अपन गलत है, गलत नहीं, इसको और आगे काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 40 तो अभी तीन चारों संख्याओं में से कोई संख्या नहीं काट रही, ना तो 30 काट रही, ना तो 25 काट रही, ना तो 16 काट रही, ना तो 11 काट रही। तो अब क्या करें, इस 3 की पावर 25 का मतलब है कि 3 × 3 × 3 × 25 बार है, तो इसमें से एक के निधर कर लें, यहाँ मेरे 3 की पावर 24, क्योंकि यहाँ एक के निधर ला है, और यहाँ देखिए 3 × 40, अब इसको बुरा करोगे तो मिल जाएगा 120 और यहाँ 3 की पावर 18 के यहाँ नीचे लगता है, इसको इधर लेंगे 3 की पावर 24 और दोनों को गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 120। अब देखो क्या 120 में गुणा किया है तो ये संख्या 120 से जरूर कटेगी, ये चार में से कोई एक संख्या क्या जो 120 को काट सके, तो 25 नहीं काट सकता, 16 नहीं काट सकता, 11 नहीं काट सकता, लेकिन 30 काट सकता है, तो ये पूरी संख्या को किससे विभाजित हो जाएगी 3, क्योंकि 3 120 को काट देगा, तो 120 के इसमें गुणा है, तो इसका मतलब 30 पूरी संख्या को काट देगा। अगर मान लो अभी भी नहीं मिला होता तो इससे 3 निकाल कर गुणा कर देते, 3 को काट कर लेते, नहीं होता फिर 3 और कर लेते, फिर अपनी जरूरत के हिसाब से निकालते जाएंगे जब तक हमको विकल्प में अपना सही वाला विकल्प नहीं मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में नंबर सिस्टम हमारी तरफ से खत्म, हमने पूरी कोशिश की है कि हर टाइम पे आपको एक दो क्वेश्चन बता सके, और हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, नंबर सिस्टम चैप्टर हमारी तरफ से खत्म है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, नंबर सिस्टम का जैसे आगे जो भी चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों से भी शेयर करना।